हाय हाय, कितनी प्यारी वाइब आ रही है यार। सलाम चाइना गुड। यार अभी मैं बाजार के अंदर इंटर हुआ हूँ और यहाँ पर ना कुछ शूट वगैरह चल रही है। ये देखो कितने प्यारे कपल लग रहे हैं। ये सब दुकानें हैं जहाँ पर हैंड क्राफ्टिंग का काम किया जाता है, और उसके अलावा ये फूड स्ट्रीट साथ में आ जाती है। और यहाँ पर काफी माहौल है देखने को यार। ऐसे कोड लगाता रहा, 1 से 8 तक कोड लगाया, वो चल गई होगी। तो बहुत खुश हुआ था, रात को फुल एंजॉय करते रहे, सारी रात हमने नेट चलाया, सोए नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जी अनदर डे इन शेराज। तो शेराज में हमारा आज दूसरा दिन है और अभी हम सब भाई मिलकर निकल पड़े हैं मार्केट की और एक्सप्लोर करते हैं आज कुछ नया नज़ारा और कुछ नई बातें, कुछ नई जिंदगी के बारे में बताते हैं आपको, आप लोगों को कि ईरान में इन लोगों का बसर किस तरह हो रहा है और क्या सूरत हाल है ईरान की। और सबसे पहले जी आप ईरान की हैवी बाइक देखें, और ये हैवी बाइक की वर्कशॉप है, यहाँ पर रिपेयरिंग वगैरह चल रही है। और इन लोगों का ना सब अपना ब्रांड है, ठीक है ना, और ये अपना ब्रांड यूज़ करते हैं। मसलन के आउट ऑफ कंट्री से ये कोई भी चीज़ इंपोर्ट करके ना यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करते। इनका जितना भी ब्रांड है, पेप्सी, कोक, मसलन के खाने पीने वाली एशिया के अलावा जो जितनी भी यहाँ पे इन लोगों की मशीनरी है ना, वो भी साजी मैं कहता हूँ कि बम ले। एक और इंटरेस्टिंग बात है यार, कि ये देखिए ऊपर आप लोगों को बिजली की वायरें भी नज़र आ रही होंगी, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में हज़ारों तारें होती हैं खंभों के ऊपर। ये जो आप लोगों को एक वायर नज़र आ रही है ना, ये एक वायर नहीं है, ये 3 वायर ही हैं बिजली की सप्लाई के लिए। तीनों तारा ना कटियाँ ने, तो धमाका नहीं हुआ, साढ़ी साइड से 2 रल जाने धमाके हो जाने, समझ रहे हो ना भाई साहब। तो यहाँ पे ये माहौल है, और ये देखिएगा भाई साहब सुबह सुबह काम लगे हैं ये पेंटिंग में, यहाँ से रेंट पे भी ले जाते हैं, यहाँ पे मिस्त्री से बनवा भी लेके जाते हैं। ये भाई अभी क्लीन कर रहा है इसको, ठीक है। ये मेरे ख्याल है शोरूम है इन चीज़ों का, और यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे हैवी बाइक देखने को मिल रही हैं। छोटी बाइक नॉर्मल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादातर जो शोखे बंदे हैं ना वो इस तरह की यूज़ करते हैं। तो अभी फिलवक्त हम निकले हैं, भाई लोगों के लिए सिम लेके आनी है, तो यहाँ से सिम वगैरह ढूंढते, फिर आगे इंशाल्लाह आप लोगों से बातचीत होती रहेगी। यार ये देखो ईरान का विगड़ आला किस तरह है, इसके ऊपर लिखा हुआ है KMC, यहाँ का ब्रांड है। हमारे यहाँ लिखा होता है रिवो, विगो, सेम उसी तरह, लेकिन यहाँ पर उनकी एक ना नेम उन लोगों ने अपने ब्रांड के रखे हुए हैं, लेकिन ये ईरानी ब्रांड है। अभी हम आए थे मोबाइल शॉप पे, यहाँ पर हमने सिमें ली हैं, और भाई साहब ने भी सिम ले ली है, और इधर इस भाई ने साहब ने भी सिम ले ली। ये सिमें पर पर्सन के हिसाब से, एक सिम का हिसाब जो है एक बंदे के जो नाम हुई है वो तकरीबन 2.5 लाख के राउंड अबाउट हो रही है। मसलन के पाकिस्तानी अगर देखा जाए तो 12-12.5 हज़ार के राउंड अबाउट, 12.5 हज़ार के राउंड अबाउट चलती है। ओके आगा, थैंक यू सो मच, शुक्रन। तो सिमें ले लिए, ये वो कह रहे हैं 10 घंटे के बाद सिमें चलेंगी, तो 10 घंटे भाई साहब वेट करेंगे, उसके बाद इन लोगों की सिमें चल जाएंगी। रात को बैठे थे रूम में, स्लीम भाई ने ऐसे जुगाड़ लगाया, और ना वाईफाई जो है ना किसी की अटैच थी, ऐसे कोड लगाता रहा, 1 से 8 तक कोड लगाया, वो चल गई होगी। तो बहुत खुश हुआ था, रात को फुल एंजॉय करते रहे, सारी रात हमने नेट चलाया, सोए नहीं है। तो सुबह पता चला जी उसका मेरे ख्याल में MB या पैकेज ख़त्म हो गया जो उसने लगवाया हुआ था। और यार ना नेट चलाने की खुशी तो होती ही होती है, जब फ्री वाला जब चलाते हैं ना उसकी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो रात को भाई साहब फ्री वाला चला के मस्ती कर रहे थे, अब बोला कि आज नहीं नेट चल रहा ना, तो इनको कमी महसूस हो रही है। तो आज इन लोगों ने सिमें ली हैं, लेकिन इनकी बदबख्ती ये है कि सिमें ये चलेंगी कल, तो आज फिर ये सारा दिन ऐसे रहेंगे, तो कल इनकी सिमें चल जाएंगी, फिर ये अपना इंटरनेट वगैरह चलाना शुरू कर देंगे। तो अभी सिमें वगैरह ले ली हैं, काम हमारा ख़त्म हो गया, अभी चल रहे हैं जी किसी बेस्ट स्ट्रीट में, कोई और माहौल देखते हैं क्या सीन होने वाला है। खूबसूरत तरीन स्ट्रीट में जी, यहाँ का माहौल आप लोग देखें कितना प्यारा यार। ये सामने मस्जिद है, और अभी बादल देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखो ये सब दुकानें हैं जहाँ पर हैंड क्राफ्टिंग का काम किया जाता है, और उसके अलावा ये फूड स्ट्रीट साथ में आ जाती है। और यहाँ पर काफ़ी माहौल है देखने को यार, और आज मौसम भी बहुत खूबसूरत बना हुआ है। मैं और शेरी और स्लीम यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं,
कैसा फील हो रहा है भाई? यार बहुत मजे की जगह, साफ सुथरी देख के तो मेरा तो दिमाग बंद हो गया। इधर लेटे ना लगाने लग जाए ना सूफी साहब। ये अभी पाकिस्तान में ही है। अभी उधर जाएंगे ना लाहौर तो गंदे नाले की स्मेल आएगी तो जाके फिर मेरा दिमाग खुलेगा। अच्छा सफाई से बंद हो जाता है? सफाई से यार दिमाग बंद हो गया। भाई कह रहा है की सफाई से मेरा दिमाग बंद हो गया, जब लाहौर के गंदे नालों की बदबू आएगी ना फिर खुलेगा। ये क्लीन वगैरह आपको मिलेंगे यहाँ पर, ये देखिएगा। और यहाँ पर लोग अपना खाना वाना खा रहे हैं। ये कॉफी शॉप है जी। यार काफी अच्छी स्ट्रीट है यार, बहुत जबरदस्त माहौल बना हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर गोरे वगैरह भी आते हैं अपनी तस्वीरें वगैरह वीडियो शीडियो बनाने के लिए। मसलन के शराज की सबसे खूबसूरत तरीन यही है स्ट्रीट। और यहाँ पर जो माहौल है ना वो बहुत बेहतरीन है यार। ये सामने देखिएगा फिलिपीनीज आकर बैठ के खाना खा रहे हैं, ठीक है। यार इसी स्ट्रीट में हम घूम रहे थे तो शराज भाई ने बोला है कि यहाँ पर ना बैठ के कुछ थोड़ी देर यहाँ पे एंजॉय करते हैं, काफ़ी खूबसूरत माहौल है। आंखें ठंडी कर रहा है यार, ये देखिएगा इन चीज़ों पे आंखें ठंडी कर रहा है भाई साहब हमारा। और ये दोनों इधर बैठी हुई हैं शराज की चक्कर में। हाँ भी कैसा फील हो रहा है यार? मुझे ना ऐसा फील हो रहा है कि अपनी भगवान है। चलो जी अभी यहाँ पे बूंदी शूंदी कर रहा है भाई साहब। ना ना मैच के साथ बैठा हूँ यहाँ पे एंजॉय करता हूँ। और ना यहाँ पे खुशकी इतनी है यार, दो तीन दिन हो गए यहाँ पे यार। और ये देखो होंठ फट गए यार, इसके भी फुल ब्लैक मेरे तो फट गए यहाँ पे। बाढ़ जा मेरे। अभी जी थोड़ी देर इधर बैठते हैं फिर इंशाल्लाह आगे किसी और मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन तकरीबन 10-15 मिनट के खास गए यहाँ पे, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। यार अभी मैं बाजार के अंदर इंटर हुआ हूँ और यहाँ पर ना कुछ शूट वगैरह चल रही है। ये देखो कितने प्यारे कपल लग रहे हैं और बच्चे वगैरह भी फिर रहे हैं साथ। और यहाँ पर क्लीन का बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। ये देखो यहाँ पे क्लीन वगैरह का, यहाँ पे क्लीन वगैरह सेल किया जाते हैं। और इनकी कोई शूटिंग वगैरह चल रही है, पता नहीं इनका कैमरामैन किधर लगा हुआ है। ये नीचे क्लीन पड़ा हुआ है तो ये सामने देखें। और बाज़ार का माहौल देखें कितना प्यारा है। ये इसमें लाइटें वगैरह लगी हैं, वैसे भी दिन का माहौल जब होता है ना तो वैसे भी रोशनी आ जाती है, ठीक है। यार ये इनके हीर रांझा की मूवी की शूटिंग चल रही है। मैं तो यही कह सकता हूँ क्योंकि ये इनकी ज़ुबान में पता नहीं इसको क्या कहते हैं। और वो कैमरा मैन उधर बैठा हुआ है और ये शूटिंग वगैरह कर रहे हैं। ये देखिएगा और बच्ची का ड्रेस देखो कितना प्यारा बनाया हुआ है। अभी पता नहीं इनकी भाषा में कुछ चल रहा है, मुझे इसकी समझ तो आ नहीं रही। यार इन लोगों ने तकरीबन 5 से ज़्यादा टेक ले चुके हैं लेकिन अभी इनकी शूटिंग मुकम्मल नहीं हो रही। अगर ये भाषा मुझे आती होती तो मैं इंशाल्लाह पहले ही टेक में कर देता ये कम्प्लीट। तो पब्लिक काफ़ी रुक चुकी है जी क्योंकि ये शूटिंग चल रही थी, इस वजह से मैं फ्रंट वाली साइड पर जाता हूँ। जस्ट यहाँ पे शूटिंग चल रही थी। और भाई साहब व्हाट्स मूवी नेम, योर मूवी नेम? आई एम नीमो। नो शूट विद योर नेम। Yes. नेम फिल्मी इसमें? ओ भाई मैं फिल्म का नेम पूछ रहा हूँ यार। वो कह रहा है ओके। मैं से फिल्म का नेम पूछ रहा हूँ, वो कह रहा है ओके ठीक है। उनको समझ नहीं आ रही मेरे भाई साहब। अभी इनका शूट चल रहा है और ये देखिएगा चाइना से आए हुए लोग हैं, ये भी साथ हमारे शूटिंग देख रहे हैं। चाइना गुड, ये देखो बहुत प्यारा यार शूट चल रहा है इनका भी। ये टीचर कॉपी करती जा रही है, ये अभी रुक गई है। सलाम चाइना, गुड चाइना को गुड कह दिया जी। और चाइना वाले यहाँ पे शूटिंग भी देख रहे हैं। साथ तो हमारी अच्छी फ्रेंडशिप है ना यार। हाँ चाइनी हमारे दोस्त हैं। वीजा मुश्किल ना मिलता होवे। ये पॉइंट है बिल्कुल। ये इनकी वीडियो बना रही है, वो सामने ब्रेडल खड़ा हुआ है।
माशाल्लाह खूबी, बहुत प्यारा लग रहा है यार। बस मुबारक ही कहते हैं। तो चले जी अभी हम बाजार के अंदर से होते हुए जा रहे हैं। ये सामने इधर आओ, तुम्हें एक वाइब दिखाता हूँ। ये देखिएगा जी, अभी यहाँ से अंदर हो रहे हैं। ये एक मेरे ख्याल में कुछ नमकदान जैसे कुछ है। यहाँ पे एक कैफे टाइप बनी हुई है जगह, और बहुत प्यारी है यार ये। जब शराज बाज़ार के आप अंदर दाखिल होते हैं ना वकील बाज़ार के साथ, तो ये लिख रहे बाज़ार कैफी फिल, ये सीन यहाँ पर लिखा हुआ। ये माहौल देखें जरा, साथ में फुहारा चल रहा है और यहाँ पे लोग अपना खाना नोश फरमा रहे हैं। अभी मैं यहाँ पर जाकर आप लोगों को दिखाता हूँ। हाय हाय, कितनी प्यारी वाइब आ रही है यार। और इनकी काफ़ी अच्छी यहाँ पर माहौल बना हुआ है, यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह। और यहाँ पे जो देखिएगा भाई साहब अभी देख रहे हैं, यहाँ पे जितनी भी है ना खाने पीने वाले चीज़ें, फास्ट फूड वगैरह, यहाँ पर ईरान का फेमस तरीन फास्ट फूड है ये। और जो है इन लोगों ने काफ़ी माहौल बनाया हुआ है। हाय, थैंक यू सो मच। और भाई साहब हमारा वेलकम कह रहे हैं ईरान में, शिराज में। सेटरडे नेम Shiraz and we call this coffee field. Coffee field. Elephant. Elephant हाथी को कहते हैं। हाँ। You can see the logo right there. Oh, okay. Elephant coffee field. And elephant. Right? Oh, elephant खड़ा हुआ। ये जी इस street का नाम है elephant coffee field. Yeah. Exactly. Thank you. Good. तो अभी जी कुछ देर बैठ के फिर यहाँ पर माहौल देखते हैं। माहौल देखने के बाद जी फिर निकल जाएंगे आगे। और भाई साहब एक कैमरा अपने हाथ में ले लिया है, तो यहाँ पे थोड़ी देर वीडियो शूट करेंगे, उसके बाद फिर आगे की तरफ निकल देंगे। दिस इज वेरी नाइस प्लेस एंड ओल्ड प्लेस, यू नो, वेरी एंशिएंट। ये कह रहा है भाई साहब काफी पुरानी और मेमोरियल है ये। मसलन के भाई कह रहा है कि एशिया में से सबसे पुरानी और ओल्ड ये है, ट्रेडिशनल है इनकी। खैर मैं ना यहाँ पे शूट वगैरह कर रहा था, तो भाई आया कॉफ़ी कैफ़े वाला, तो उसने कहा अपना मतलब कि वो मेरा सब्सक्राइबर बन गया यार। उसने कहा अपना चैनल का नाम बताओ, मैं आपको सब्सक्राइब कर लेता हूँ, बाद में जब मेरी वीडियो आएगी ना तो मैं देख लूँगा। मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैंने दिखा दिया जी, एक सब्सक्राइबर तो बन गया ना साथ ही साथ। और अभी जी यहाँ पे थोड़ी देर वेट करते हैं, वेट करने के बाद फिर निकलते हैं आगे और इंशाल्लाह आप लोगों को आगे माहौल दिखाते हैं। तो यार मेरा माइंड ये है कि मैं कहता हूँ कि ये ना ब्लॉग काफ़ी लेंथी हो चुका है, तो मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह हमारी मुलाकात एक नए ब्लॉग में हो तो बेहतर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला ब्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों को कि नई एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।